विटनेस फॉर द प्रोसिक्यूशन ये 1957 की अमेरिकन कोर ड्रामा फिल्म है, डायरेक्टेड बाय बिली वाइल्डर। ये मूवी बेस्ड है अगाथा क्रिस्टी की लिखी स्टोरी द विटनेस फॉर द प्रोसिक्यूशन पर। वैसे तो विकिपीडिया और IMDb पे इसे कोर ड्रामा फिल्म कहा गया है, लेकिन मैं इसे सिर्फ कोर ड्रामा नहीं कहूँगा, लेकिन साथ ही कोर ड्रामा सस्पेंस फिल्म इसे कहूँगा। और सस्पेंस भी साधारण नहीं, बल्कि एक मास्टरफुल लिखा गया सस्पेंस। जी हाँ, अगर हॉलीवुड की 100 सालों में जितनी भी सस्पेंस मूवी बनी है और अगर उसमें से टॉप 10 सस्पेंस मूवी चुननी हो तो अनडाउटली इसे टॉप 5 में मैं ज़रूर रखूँगा। और इसी कारण मैं ज़्यादा कुछ स्टोरी के बारे में बताना भी नहीं चाहता। तो चलिए जानते हैं मूवी के स्टोरी के बारे में। सर विल्फ्रेड रॉबर्ट्स, जो कि एक काबिल लॉयर है, लेकिन अपनी उम्र की वजह से और अपनी तबीयत की वजह से काफ़ी वक्त से अपने काम से दूर हैं और आज अपने ऑफिस एक बार फिर वापसी कर रहे हैं। अपनी बिगड़ी तबीयत के कारण उन्होंने एक प्राइवेट नर्स भी रखी है, जो कि उनका कुछ ज़्यादा ही ख्याल रखती है, उनकी छोटी से छोटी चीज़ पे ध्यान देती है, वक्त वक्त पे उनकी दवाई की याद दिलाना, उनको शराब और सिगरेट से दूर रखना, और यहाँ तक कि नर्स उनको सीढ़ियों से ऊपर भी नहीं जाने देती। और इन सब के लिए विल्फ्रेड के लिए स्पेशल लिफ्ट लगाई गई है, और इन सब को लेकर उनकी नोकझोंक भी एक फनी टच देते हुए हमारे सामने रखी गई है। तबीयत के कारण विल्फ्रेड का क्लर्क कार्टर भी उन्हें डाइवोर्स केस, टैक्स केस और इंश्योरेंस जैसे केस लेने की एडवाइस देता है, जिसमें कम मेहनत में ज़्यादा पैसे मिलेंगे। लेकिन विल्फ्रेड इन सब बंधनों से ऊब गए हैं, और इस सब सिचुएशन में सर विल्फ्रेड के पास केस आता है लियोनार्ड वोल का, जिस पर मिसेस एमिली फ्रेंच के मर्डर का आरोप है, जिससे कुछ ही दिनों पहले लियोनार्ड मिला है, और देखते ही देखते उनके बीच अच्छी दोस्ती हो गई। एमिली जो कि एक अधेड़ उम्र की रईस विधवा महिला है, और शायद अपने अकेलेपन की वजह से वो लियोनार्ड की तरफ अट्रैक्ट भी है। लियोनार्ड का एमिली के घर आना जाना भी रहता है, लेकिन साथ ही एमिली की हाउसकीपर लियोनार्ड को ज़्यादा पसंद नहीं करती। एमिली के साथ उसका उठना बैठना उसे ठीक नहीं लगता, और ऐसी परिस्थिति में एक दिन एमिली का मर्डर होता है, और गिरफ्तार होने से पहले लियोनार्ड और उसका सॉलिसिटर बैरिस्टर सर विल्फ्रेड के पास आते हैं। शुरुआत में विल्फ्रेड केस को उनके जूनियर मिस्टर ब्रॉगन मूर को देते हैं, लेकिन कुछ ही बाद केस खुद लड़ते हैं। आगे विल्फ्रेड से इंटरोगेट होते समय लियोनार्ड अपने काम और अपनी पत्नी क्रिस्टिन के बारे में और एमिली फ्रेंच के बारे में बताता है। साथ ही ये भी पता चलता है कि एमिली फ्रेंच ने लियोनार्ड के लिए 80,000 पाउंड छोड़े हैं। इसी बीच पुलिस आती है। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इतने पुख्ता होते हैं कि लियोनार्ड को पुलिस अरेस्ट करती है। आगे विल्फ्रेड के ऑफिस लियोनार्ड की वाइफ क्रिस्टिन आती है। उसका बिहेवियर और उसकी कुछ चौंकाने वाली बातें विल्फ्रेड को अचंभित करती हैं। उस कारण अगले दिन विल्फ्रेड लियोनार्ड से मिलने जाता है, जहाँ लियोनार्ड क्रिस्टिन के बारे में सब कुछ बताता है, जैसे उसका जर्मनी में मिलना, उनका प्यार और अब तक शादी के बिना साथ रहना। लेकिन अब भी वो क्रिस्टिन से प्यार करता है। लेकिन विल्फ्रेड को क्रिस्टिन के अंदर ना तो लियोनार्ड के लिए सहानुभूति दिखी और ना ही उसे छुड़ाने का जज्बा, और इसी कारण लियोनार्ड को वो ट्रायल के अंदर क्रिस्टिन को पेश ना करने की हिदायत देता है। आगे क्या होता है? आखिर क्रिस्टिन ऐसा क्यों कर रही है? या फिर लियोनार्ड झूठ बोल रहा है? और एमिली फ्रेंच को किसने मारा? और इन सब में विल्फ्रेड क्या करेगा? इन सब सवालों और जवाबों से भरे एक रोलर कोस्टर राइड पे फिल्म हमें ले जाती है। बिली वाइल्डर का डायरेक्शन आपको एज ऑफ द सीट रखता है। हम जो भी सोचते हैं उससे एकदम अलग ही दिशा में कहानी मोड़ लेती है। फिल्म की कहानी और स्क्रीन प्ले काफ़ी कॉम्पैक्ट है। बात करें एक्टिंग की तो सभी की एक्टिंग काफ़ी बेहतरीन है, लेकिन मिस्टर विल्फ्रेड का चार्ल्स लॉटन द्वारा निभाया गया किरदार आपको अलग ही लेवल का दिखाई देता है। उनके चेहरे पर कॉम्प्लेक्सिटी एट द सेम टाइम सेंस ऑफ ह्यूमर जो है वो आपको रोमांचित करता है। Pillaged and plundered my helpless body while tormenting my mind with a steady drip of baby talk. Come along now like a good boy. Oh no. You take your hands off me, Miss Plimsoll. I'll strike you with my cane. Oh, you'd never do that. You might break your cigars. Cigars? What cigars? The ones you're smuggling in your cane. Cane? साथ ही उनकी नर्स मिस प्लिम्सल और विल्फ्रेड जब भी स्क्रीन पे दिखाई पड़ते हैं आपके चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल जरूर आती है।
अर्लिन डिट्रिच ने निभाया, क्रिस्टिन का किरदार भी काफ़ी बढ़िया था। उन्होंने अपने किरदार में जो लेयर है उसे बखूबी समझा है। इसके अलावा लियोनार्ड कार्टर, ब्रोगन मूर और ख़ास करके हाउसकीपर जेनेट ने अपने किरदार को काफ़ी अच्छे से निभाया है। टेक्निकली भी फिल्म काफ़ी प्रॉमिसिंग लगती है। फिल्म को उस साल कोई एकेडमी अवार्ड तो नहीं मिला, लेकिन 6 मुख्य कैटेगरी में फिल्म को नॉमिनेट किया गया। मैं इस फिल्म को एक आम कोर ड्रामा समझकर देखने बैठा था, लेकिन मूवी जिस तरह पिक पर हमें ले जाती है वो एक अलग ही एक्सपीरियंस मेरे लिए था, और शायद इसीलिए मुझे फिल्म ज़्यादा पसंद आई। फिल्म के कमी की बात करें तो मूवी में जो आखिरी 2 मिनट में जो कुछ भी होता है वो मेरे हिसाब से ना होता तो मूवी और भी शानदार तरीके से एंड होती। एक कॉम्पैक्ट स्टोरी, बेहतरीन डायरेक्शन और चार्ल्स लॉटन की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस और सवालों और जवाबों से भरे रोलर कोस्टर राइड पे जाने के लिए आपको ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए। मैं इस मूवी को दूंगा 9 out of 10 stars। अगर आपने ये मूवी देखी है तो आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइए। साथ ही अगर रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।